स्वयं चाय सबूत है, उनके मालदेव को बढ़ाया। हम लोगों ने आईटी पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई। जो पढ़ा लिखा उसको भी हमने नौकरी दिया, और जो देश के लिए बिहार के लिए खेल पे मेडल लाया उसको भी हमने नौकरी देने का काम किया। आज कोई भी नौजवान खिलाड़ी अगर देश के लिए मेडल लाएगा तो डीएसपी बन जाएगा, समझ जाए। यही नीति हम बनाए 17 महीनों में, काम कर रहे थे, लेकिन चाचा जी को काम से मतलब नहीं था। बीजेपी हाईजैक कर लिया, और जब बीजेपी ने हाईजैक कर लिया तो आज उनकी स्थिति आप लोग देख रहे हैं कि क्या हो गया है। इससे ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अगर मीडिया अलायंस की सरकार बनती है, अगर भारत में हम लोगों का गठबंधन का सरकार बनेगा, तो आने वाले 15 अगस्त को, जो 15 अगस्त को देश से हमारा आजाद हुआ था, हम लोग आने वाले 15 अगस्त में बेरोजगारी से आजादी दिलाएंगे और 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। तो कितना देंगे? 1 करोड़। कितना? 1 करोड़। कितना? 1 करोड़। मोदी जी तो नहीं दिए, लेकिन जरा सोचो, जब उप मुख्यमंत्री रहते हुए 17 महीने में 1 रात में, अगर आज से एक घाटी की विधानसभा एक तरफ पड़ता है, गुरुआ एक तरफ पड़ता है, रोड पे अगर गुरुआ पड़ेगा इधर से एक घाटी पड़ेगा, यानी रोड के इस सारे रोड चुनाव होने जा रहा है, वो गया का हो रहा है और उधर औरंगाबाद का है। तो हम चाहते हैं कि दोनों सीट पे जो हमारे उम्मीदवार हैं, यहाँ से पूर्व कृषि मंत्री, गया से हम लोगों ने सरजीत पासवान जी को बनाया है, और औरंगाबाद से अभय कुशवाहा जी को बनाया है। दोनों लोग जो है नौजवान हैं और नए हैं, और लोगों ने काम किया है, और मुझे पूरा भरोसा है आप लोग लालटेन पर बसंत धाम करके उन दोनों कैंडिडेटों को, उम्मीदवारों को आप लोग जिताने का काम कीजिएगा। हम लोग मोदी जी की बात करने नहीं आए, मुद्दे की बात करने आए हैं। मुद्दा क्या है? कितने यहाँ बेरोजगार भाई है, जरा हाथ उठा करके बताइए। इतनी बड़ी संख्या, मोदी जी ने क्या कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। आज 10 साल हो गया लेकिन नौकरी नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, गरीबी है, ये है मुद्दा। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये है मुद्दा। बिहार में निवेश आए, कारखाने खुले, ये है मुद्दा। लेकिन 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने बिहार को केवल और केवल ठगने का काम किया। 40 में से 40 सांसद बिहार में दिए। जरा आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा कि आपके गांव, आपके पंचायत, आपके प्रखंड, आपके जिला के लिए क्या किया गया, कौन सा ऐसा काम हुआ बता दीजिए। क्या काम किया इन लोगों ने? कोई काम नहीं किया। लेकिन जब आपका भाई को 17 महीने मौका मिला उप मुख्यमंत्री बनने का, तो 17 महीनों में 5 लाख लोगों को हमने सरकारी नौकरी देने का काम किया। अभी अब तक अगर हम हुए होते तो 10 लाख लोगों को मिली जाए तो सरकारी नौकरी। लेकिन चाचा जी पलट गए तो हमारी शुभकामना है। बुजुर्ग है, अभिभावक है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। तो हम लोग जो है काम करके दिखाए, जाति आधारित जमा किया। हम लोगों ने आरक्षण की सीमाओं को, खाली है 30 लाख पद खाली है, और 70 लाख पद को हमें सृजन करने का काम करेंगे। मोदी जी तो सारा चीज प्राइवेटाइज कर दिए, निजीकरण कर दिए, रेल बेच दिए, सेल बेच दिए, कोर्ट बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, निजीकरण हो गया। जहां सबसे ज्यादा बहालियां निकलती थी वो भी खत्म कर दिया गया। तो आप लोगों की सरकार बनेगी तो 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी आप लोगों को दिलाएंगे। यही नहीं, आने वाला रक्षाबंधन में
इतनी गरीब परिवार की हमारी बहनें हैं, उनको एक साल में 1 लाख रुपया का सहयोग हम लोग करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी को पहले महंगाई टाइम लगती थी, अब महबूबा लगने लगी। आप बताइए, महंगाई इतना ज्यादा हो गया, गैस सिलेंडर का दाम कितना हो गया? 1200 1500। बिजली कितना महंगा हो गया है? हुआ कि नहीं बिजली देगा? 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग आप लोगों को देने का काम कर रहे हैं। हवाई अड्डा बिहार में बनवाएंगे, ये सारा काम होगा। स्पेशल पैकेज देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। स्पेशल पैकेज में 1,60,000 करोड़ रुपया बिहार को मिलेगा और एक संसदीय क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपया मिलेगा। समझिए, आपका उससे विकास होगा, आपके गांव का विकास होगा, आपके जिले का विकास होगा। तो ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं और आते ही सबसे पहले अग्निवीर्य योजना को खत्म किया जाएगा। खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए, 4 साल में, 4.5 साल जो आपने नौजवान भाई भारत माँ की रक्षा करना चाहता है, 18 साल में रखेगा, 22 साल में रिटायर कर देगा, मुझको भी आया होगा और रिटायर हो जाएगा। तो ऐसा नियम नहीं है, मोदी जी 4 साल रहेगा, हम लोग आएंगे तो जैसे पहले बहाली निकाला जाता था वो बहाली निकाल देंगे। मोदी जी देश के बारे में बोलते जय हिंद, मोदी जी भारत माता की जय, लेकिन जब अग्निवीर योजना में जब हमारा भाई भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद होगा तो अग्निवीर योजना में शहीद का दर्जा नहीं है, पेंशन नहीं है, कैंटीन की व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ही बेकार योजना है, इसलिए हम लोग जब आएंगे तो अग्निवीर योजना का खत्म करेंगे। पहले जैसे बहाली चलती थी वैसे बहाली होगी। और यही नहीं, जितना पैरामिलिट्री फोर्स है, सीआरपीएफ हो गया, अर्धसैनिक बल हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आपका आईटीबीपी हो गया या अन्य, जितना पैरामिलिट्री इसको पूछ लो, अगर ये ड्यूटी के दौरान ये शहीद होते तो इसको शहीद का दर्जा ले। हम लोगों की सरकार बनेगी तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी ड्यूटी के दौरान अगर शहीद होते हैं तो उसको शहीद का दर्जा हम लोग देने का काम करेंगे। तो सारा हम लोग काम करेंगे। बीजेपी का घोषणा पत्र आया, बिहार के लिए कुछ नहीं है, बिहार को ठगी है, किसान के लिए कुछ नहीं है। अगर हमारी सरकार बनेगी तो 10 फसलों का एमएसपी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। अभी तक भी हो रहा है लेकिन उचित दाम भी मिलता नहीं रहा फसल का। दिन भर आप लोग मेहनत करते हैं, धूप में सब देश का पेट पालता है किसान भाई लोग, ऐसे उचित दाम नहीं मिलता। हम लोग आएंगे तो 10 फसल दे, उचित दाम आप लोगों को दिलाने का काम करेंगे। ये सारा काम करेंगे। लेकिन मोदी जी खाली भाषण में तो भाइयों बहनों मोदी आएगा तो काला दल लेकर के आएगा और हर एक एक के खाता में 15-15 लाख रुपए डालेगा। बोलते देंगे ना मोदी जी, आपके खाता में तो नहीं है गया लेकिन बीजेपी के खाता में इलेक्ट्रोल बोर्ड में 1,000,000 करोड़ रुपए आ गए। क्या ही पैसा आप लोगों का था क्या आपके खाते में आने का था? वो बीजेपी के खाता में पैसे तो रहने भाई, बहुत ही जगह छाया है, धोखा दिया है। इसलिए मोदी जी के लिए हम गाना गाते हैं, मोदी जी के लिए हम इसीलिए गाना गाते हैं, गोविंदा के देवी का गाना। अरे तुम तो भूल जाते हो, साथ गावे अच्छे से गएंगे साथ में। मोदी जी आएंगे तो भी गाना, बीजेपी वाला भी गएगा तो भी गाना, क्या गाइएगा? अरे तुम तो धोखे बाजो हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसे करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसे करोगे, चंदा लोटे चाहिए तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखे बाज हो, वादा करके भूल जाते हो।
तो यही असली चेहरा भाजपा का। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। तो दौड़ा हम लोगों ने आ रहा दंगा फसाद कराना चाहेगा। हम लोगों ने कलम बांटा है, कलम बांटने से घर खुशहाल हुआ है, नौजवान को नौकरी मिला है, नौकरी मिलते जिसका ब्याह नहीं हुआ उसको ब्याह हो गया है, जिसका बंगला नहीं था बंगला हो गया है। तो तुम घायल होगे, जेल जाओगे, माँ बाप परेशान होगा, पुलिस को खिलाना पड़ेगा, वकील साहब को खिलाना पड़ेगा, घर तबाह होगा। अगर जेल से बाहर निकलोगे तो लड़की वाला मना कर देगा, बोलेगा तू तो जेल में बिहार में समझ रहे। हम लोग चाहते हैं आप लोग खुशहाल खुशी दीजिए, लेकिन मोदी जी नफरत की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन हम लोगों को रोजगार चाहिए, हम लोगों को अच्छा स्कूल चाहिए, हम लोगों को अच्छा अस्पताल चाहिए, किसानों का आय दुगुना होना चाहिए, यही हम लोगों का असली मुद्दा होना चाहिए। तो बताइए जिताएगा कि नहीं जिताएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चल।